क्या आपको प्रश्न पूछने में दिक्कत होती है? बहुत सारे कोर्सेस कर लिए लेकिन किसी से प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको डबलेस फैमिली का 16 वर्ड बता रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप बिंदास सवाल पूछेंगे। आपके इस समस्या का समाधान इस वीडियो में है। गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में 16 डबलेस फैमिली का वर्ड्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इन्हीं के माध्यम से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका प्रयोग कब कब और कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात ये वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आप बिंदास सवाल पूछेंगे, आपको सवाल पूछने में कहीं समस्या नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। गाइस, डब्ल्यूएच वर्ड्स जो है इनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इनको डब्ल्यूएच फैमिली भी कहते हैं या इनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। तो चलिए मेरे लिस्ट में सबसे पहला वर्ड है व्हाट। सबसे पहला वर्ड है व्हाट। तो आप जानते हैं व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो देखते हैं कि व्हाट का प्रयोग करते कहाँ हैं। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, आप याद रहे व्हाट का प्रयोग हम लोग सूचना पूछने के लिए, किसी के बारे में कोई सूचना जानना चाहते हैं तो आस्क का प्रयोग यानी व्हाट का प्रयोग करते हैं। आस्किंग अबाउट इंफॉर्मेशन यानी सूचना पूछने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज योर नेम, यानी आपके बारे में सूचना जानना चाहता है कि आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। या कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन इसको पढ़ते हैं व्हेन। नेक्स्ट वर्ड हो गया व्हेन, इसका मतलब होता है कब या जब। व्हेन का मतलब होता है कब या जब। तो इसका प्रयोग कब करेंगे? आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में जानने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। समय के बारे में जानने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग व्हेन का प्रयोग कब के अर्थ में देखते हैं। व्हेन का प्रयोग कब के अर्थ में देखते हैं, मैंने क्या बताया, समय के बारे में जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्हेन कब या जब तो होता है, लेकिन कब का प्रयोग भी समय को जानने के लिए और जब का प्रयोग भी समय को जानने के लिए। जैसे व्हेन डिड ही लिव, वह कब गया, इन टाइम पूछना चाहता है कब वह गया। व्हेन डिड ही लिव, वह कब गया। व्हेन डिड ही लिव, वह कब गया। व्हेन डिड ही लिव, वह कब गया। या व्हेन विल वी, व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। आप यहाँ नाम भी रख सकते हैं, व्हेन विल राम गो, राम कब जाएगा। व्हेन विल प्रज्ञा गो, प्रज्ञा कब जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। व्हेन का प्रयोग जब के रूप में देखते हैं। व्हेन का प्रयोग जब के रूप में देखिए, यहां इसका भी प्रयोग किसके लिए करेंगे, समय के बारे में जानने के लिए। समय के बारे में जानने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम, मैं जा सकता हूँ जब वह आएगा तभी। ठीक है, जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। ठीक है, आप इसको अच्छा से याद करेंगे और बढ़िया से बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। नेक्स्ट वर्ड हो गया वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब हो गया कहाँ। इसका प्रयोग प्लेस को जानने के लिए, आस्किंग अबाउट प्लेस, जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर, इसको पढ़ेंगे वेयर। वेयर यानी जगह के बारे में पूछने के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। यानी आपसे वो जगह जानना चाहता है कि आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो कह सकते हैं आई एम गोइंग टू प्रज्ञा, मैं प्रज्ञा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। या आई एम गोइंग टू रीडिंग,
मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाई, इसको वाई बोलेंगे, वाई वाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वाई, इसका मतलब क्यों या क्यों, क्यों या क्यों, वाई क्या मतलब हो गया, क्यों या क्यों। इसका प्रयोग करते हैं रीजन जानने के लिए, आस्किंग अबाउट रीजन, आस्क अबाउट रीजन यानी कारण जानने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। कारण जानने के लिए वाई का प्रयोग, यानी किसी काम का कारण क्या है उसको जानने के लिए हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे। इसको वाई पढ़िएगा, ठीक है, वाई, हवाई नहीं, वाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए, वाई इज ए क्राइम, कारण रीजन जानना चाहता है कि वह रो क्यों रहा है। वाई इज ए क्राइम, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ए क्राइम, व्हाट इज रीजन दैट ही इज क्राइम, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ए क्राइम, वह क्यों रो रहा है, कारण जानना चाहता है, ठीक है। रीजन जानने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं एग्जाम्पल, वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, कारण क्या है कि तुम झूठ बोलते हो। What a reason that to tell a lie? Why do you lie? तुम झूठ क्यों बोलते हो? Why do you lie? तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो आप याद रखें, why का प्रयोग कारण जानने के लिए किया जाता है। Why do you lie? तुम झूठ क्यों बोलते हो? ठीक है, कोई समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं इसका जवाब दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हुज, नेक्स्ट हो गया हुज, जिसका मतलब होता है किसका या किसके, हुज माने किसका या किसके। इसका प्रयोग करते हैं आस्क अबाउट पोसेशन, यानी मालिकाना हक जानने के लिए, वो किस चीज का मालिक है, ठीक है। मालिकाना हक जानने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसका या किसके, हुज, मालिकाना हक जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हुज क्या पढ़ेंगे इसको, हुज, ठीक है, हुज, यह डब्ल्यू साइलेंट है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, Whose is this pen? या इस का प्रयोग पेन के अनुसार किया गया है, याद रहे। Whose is this pen? Whose is this pen? यह कलम किसका है, यानी इस कलम का मालिक कौन है, यह जानना चाहता है। Whose is this pen? यह कलम किसका है। Whose is this pen? यह कलम किसका है, यानी इस कलम का मालिक कौन है। Next, Whose car is that? यह किसकी कार है। Whose car is that? यह कार किसकी है, या किसकी कार है। Whose car is that? यह कार किसकी है। Whose car is that? यह किसकी कार है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है which, इसको पढ़ेंगे which, which यानी कौन सा, जिसका मतलब होता है कौन सा, which कौन सा, ठीक है। वर्ड हो गया which, जिसका मतलब हो गया कौन सा। देखिए ask about choice, इन choice जानने के लिए which का प्रयोग किया जाता है। choice जानने के लिए which का प्रयोग किया जाता है, यानी पसंद के बारे में पूछना चाहते हैं, यानी किसी का क्या पसंद है, उसका क्या चॉइस है, अगर इस जानना चाहते हैं चॉइस को, तो विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आप किसको पसंद कर रहे हैं, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, ओके, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, या कहिए विच इज बेटर, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, यानी बहुत सारा है, उसमें से आपको चूज करना है, और आपसे पूछा जा रहा है विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। नेक्स्ट वर्ड है हु, नेक्स्ट वर्ड हो गया हु, जिसका अर्थ कौन या किसने, हु कौन या किसने। Ask about people, लोगों के बारे में जानने के लिए हम who का प्रयोग करते हैं, लोगों के बारे में जानने के लिए हम who का प्रयोग करते हैं। Who का मतलब हो गया कौन या किसने, कौन या किसने, किसके बारे में पूछते हैं, लोग के बारे में, ask about the people, who का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, who is there, who is there, कौन है वहाँ, who is there, कौन है वहाँ, who is there, कौन है वहाँ, who is there, यानी लोग के बारे में जानना चाहता है कि वहां कौन से लोग हैं, हु इज देयर, हु इज देयर। नेक्स्ट है हु आर यू, तुम कौन हो, यानी आपके बारे में पूछ रहा है कि तुम कौन सा लोग हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट है होम, होम, डब्ल्यू एस ओ एम, होम, जिसका अर्थ होता है किसको,
किसे या जिसे, होम का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। इसका प्रयोग करते हैं अबाउट पीपुल, आस्क अबाउट पीपुल, लोगों के बारे में जानने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। आस्क अबाउट पीपुल, होम का प्रयोग किसको या किसे या जिसे के अर्थ में, होम का प्रयोग लोगों के बारे में जानने के लिए करते हैं। आस्किंग अबाउट पीपुल, आस्किंग अबाउट द पीपुल। एज फॉर एग्जाम्पल, होम डिड यू सी, होम डिड यू सी, आपने किसे देखा, वो यानी कौन सा लोग था जिसे आपने देखा। होम डिड यू सी, आपने किसे देखा, होम डिड यू सी, आपने किसे देखा, होम डिड यू सी, आपने किसे देखा, होम डिड यू सी, आपने किसे देखा। या कह सकते हैं होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं, होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं, होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं, होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं, होम डू यू वॉन्ट टू मीट। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का मतलब कैसे या कैसा होता है, हाउ का मतलब कैसे या कैसा होता है। इसका प्रयोग करते हैं आस्क अबाउट पोसेशन या मैनर, प्रक्रिया या तरीका के जानने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं, यानी किस चीज का प्रोसेस क्या है या मैनर क्या है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग हाउ का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया, प्रोसेस, तरीका जानने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। कैसे या कैसा का अर्थ में, कैसे या कैसा का अर्थ में हाउ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट है हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, 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 हाउ वॉज योर डे। नेक्स्ट है वाट एवर, वाट एवर, इसको पढ़ेंगे वाट एवर, इसका अर्थ होता है जो कुछ, जो कुछ भी या जो भी हो, वाट एवर, वाट एवर, जो कुछ भी या जो भी हो, वाट एवर, जो कुछ भी या जो भी हो, वाट एवर, वाट एवर। एग्जाम्पल देखिए, डू वाट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहे करें, डो वाट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें करें, डो वाट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें करें, डो वाट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें करें। नेक्स्ट है ईट वाट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं, डो वाट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं, डो ईट वाट एवर यू वॉन्ट, ईट वाट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहते हैं खाएं, इसका मतलब ही होगा आप जो कुछ भी खाएं, यानी आप जो कुछ भी चाहें खाएं, ठीक है, इसमें चाहें छूट गया है। ईट वाट एवर यू वॉन्ट, ईट वाट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं, ठीक है। नेक्स्ट है विच एवर, विच एवर, ठीक है, विच एवर, जिसका अर्थ जो जो भी, कोई सा भी, कोई भी, ठीक है, विच एवर, जो भी, कोई सा भी या कोई भी, विच एवर, विच एवर, जो भी, कोई सा भी या कोई भी। इसका प्रयोग देखते हैं, टेक रिसीवर बैग इज योर, टेक रिसीवर बैग इज योर, ले लो जो ही बैग तुम्हारा है, टेक विच एवर बैग इज योर, ले लो जो ही बैग तुम्हारा है, टेक विच एवर बैग इज योर, ले लो जो ही बैग तुम्हारा है, टेक विच एवर बैग इज योर्स, ले लो जो ही बैग तुम्हारा है, टेक विच योर बैग इज योर्स, टेक विच योर बैग इज योर्स। नेक्स्ट है यू कैन बाई विच एवर यू वॉन्ट, यू कैन बाई विच एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाई विच एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाई विच एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाई, आप खरीद सकते हैं, विच एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, यानी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर, जिसका मतलब है जब कभी, जब भी या जब कभी भी,
व्हेनेवर, जब कभी, जब भी या जब कभी भी, व्हेनेवर, व्हेन एवर, व्हेन एवर, व्हेन एवर, जब कभी, जब भी या जब कभी भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट, यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। व्हेन यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट, यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। तो व्हेन एवर का बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं यू कैन कॉल व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें कॉल कर सकते हैं। यू कैन ईट व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें खा सकते हैं। आप इस वर्ब को बदलिए और बिंदास सवाल पूछिए। नेक्स्ट है, यू कैन कॉल मी व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें मुझे फोन कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी व्हेन एवर यू वांट, आप जब कभी चाहें मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर, जिसका अर्थ होता है जहां कहीं भी, या जहां भी या कहीं भी। वेयर एवर, जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर, इसको ईवर नहीं पढ़िएगा, वेयर एवर। देखिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन में लिखा है वेयर एवर, जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। वेयर एवर, वेयर एवर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, गो वेयर एवर यू वांट टू, गो वेयर एवर यू वांट टू, गो वेयर, गो वेयर एवर यू वांट टू, तुम जहां चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वांट टू, गो वेयर एवर यू वांट टू, तुम जहां चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वांट टू, तुम जहां चाहो जाओ। गो जाओ, वेयर एवर यू वांट टू, जहां चाहो, जहां चाहो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है सिट वेयर एवर यू लाइक, बैठो तुम जहां चाहो, यानी आप जहां चाहें बैठें। सिट वेयर एवर यू लाइक, आप जहां चाहें बैठें। सिट वेयर एवर यू लाइक, सिट वेयर एवर यू लाइक, बैठें आप जहां चाहें। सिट वेयर एवर यू लाइक, सिट वेयर एवर यू लाइक, आप जहां चाहें बैठें। नेक्स्ट है हाउ एवर, हाउ एवर, हाउ एवर, हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी। हाउ एवर, हाउ एवर यानी हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी। हाउ एवर, हाउ एवर, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, हाउ एवर को। हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी मुझे यह पता है। हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी मुझे यह पता है। हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी यह मुझे पता है। हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी यह मुझे पता है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि या फिर भी आपको जाना चाहिए। हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट है होम, हु एवर, हु एवर, हु एवर, तो ही देखिए यहाँ प्रोनाउंसिएशन हु एवर, इसको पढ़ेंगे हु एवर, ठीक है। इसका अर्थ होता है कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। हु एवर का मतलब हुआ कोई भी हो, कोई भी या जो कोई, हु एवर। एग्जाम्पल देखते हैं, हु एवर कैन कम प्लीज कम, हु एवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। हु एवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। हु एवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। हु एवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। हु एवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। नेक्स्ट है हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल, हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल, जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है। हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल, जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है। हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल, जो कोई भी इसके बारे में जानता है बता सकता है। हु एवर नोज अबाउट इट
कैन टेल, जो कोई भी इसके बारे में जानता है बता सकता है। व्यूअर नोज अबाउट इट कैन टेल, जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह बता सकता है। नेक्स्ट है होम एवर, होम एवर, होम एवर, ठीक है, इसका मतलब जिसे, जिस किसी या जिसे भी, होम एवर, होम एवर, जिसे, जिस किसी या जिसे भी, ठीक है, होम एवर, होम एवर, इसको पढ़ेंगे होम एवर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन इन्वाइट होम एवर यू लाइक, यू कैन इन्वाइट होम एवर यू लाइक, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इन्वाइट होम एवर यू लाइक, आप जिसे चाहें आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इन्वाइट होम एवर यू लाइक, आप जिसे चाहें आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल होम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आप जिसे चाहें कॉल करें, कॉल होम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, कॉल होम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आप जिसे चाहें कॉल कर सकते हैं, कॉल होम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आप जिसे चाहें कॉल करें, होम कॉल होम एवर यू वॉन्ट टू कॉल, आप जिसे चाहें कॉल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ डब्ल्यूएच फैमिली का 16 वर्ड खत्म हो जाता है। सारे प्रश्न इसी की सहायता से बनाए जाते हैं। आप इन सारे वाक्य को अच्छा से याद कर जाइए, नोटबुक में जरूर लिख लीजिए और प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अच्छा से अच्छा इंग्लिश बोल सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।